देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जो है एक काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, और बी जो है उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो सेम मेथड एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 डेज है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बी जो है 30 डेज में काम कंप्लीट करता है, ए जो है 20 डेज में, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60/20 3 60/32, ये 60 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये 30, ये 3 जो आया है ये क्या है एक दिन का काम ए का, ये 2 जो आया है ये बी का एक दिन का काम है, ठीक है, ये क्लियर है। एक दिन का काम कितना है, ए का 3 है, बी का कितना है 2 है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों काम स्टार्ट करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद ए जॉब छोड़कर चला जाता है, 8 डेज के बाद ए जो है चला जाता है, और जो बाकी जो काम बचेगा वो जो है बी अकेले दिन में करेगा, ठीक है, बी जो है बचे हुए काम को अकेले करेगा। तो हमें ये बताना है कि ये पूरा काम वो करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोगों को सही समझ में आया कि 8 दिन तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, 8 दिन तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, और हम यहाँ ए और बी का इंडिविजुअल वर्क निकाल चुके हैं कि एक दिन में ए कितना काम करता है बी कितना काम करता है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट ऑफ वर्क, एक दिन का इसका काम है, एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, और एक तो ये लोग कितना दिन मिलकर काम कर रहा है 8 दिन, तो हम 8 × 5 कर देंगे तो 40 यूनिट ऑफ वर्क निकल जाएगा जो कि 8 दिन में ए और बी मिलकर किया है, ठीक है, 40 काम। अब जो बचा हुआ काम है उसको बी अकेला करेगा, बचा हुआ काम कितना है रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 60 − 40 = 20 यूनिट। अब ये जो 20 यूनिट है ये बी अकेले करेगा, तो ये 20 यूनिट वर्क जो है बी अकेले कितने दिन में करेगा 2/1 एक दिन में 2 काम, तो 20 काम करने में 10 डेज। अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो बी अकेला 10 दिन काम किया है और ए और बी मिलकर कितना काम किया है 8 दिन, टोटल डेज 18 डेज लगे। ये तो है आपका पहला मेथड सॉल्व करने का, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड है, ठीक है। तो आप लोग को हम दूसरा मेथड बताते हैं सॉल्व करने का, वो ज़्यादा इजी है इससे। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा आदमी काम छोड़ कर गया, ए, बी जो है काम वो कंटिन्यू करता रहा, तो यदि हम टोटल काम में से ए का काम ए जितना भी काम किया है उस काम को हम लोग निकाल देते हैं तो बचेगा जो काम वो बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करेगा, सो उससे हम डेज नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और एक कब तक काम किया 8 दिन तक, तो 8 दिन में वो कितना काम करेगा 8 × 3 = 24 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेगा। अब ये 24 यूनिट वर्क ए अकेला किया है, ठीक है, तो जो बचेगा वो बी करेगा, तो हम रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क 60 − 24 = 36, ठीक है, तो ये 36 हमारा रिमेनिंग वर्क निकल गया। अब ये 36 वर्क जो है बी अकेले करेगा, कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 36 काम करने में उसको 18 डेज का टाइम लगेगा, ये 18 डेज एग्जैक्ट दिन निकल गया टोटल काम को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो आप लोग को जो मेथड समझ में आए वो मेथड लगाइए, ठीक है, दोनों मेथड इजी है, दोनों मेथड कम टाइम देता है, आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम से 20 to 30 सेकेंड लगेंगे, तो आप लोग को जो कन्वीनियंस हो आप वो मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ए जो है एक काम को 15 डेज में करता है और बी जो है काम को 20 डेज में करता है और सी जो है दिया हुआ है एक और पर्सन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है सी जो है उसी काम को 30 डेज में करता है। तो हम लोग इसमें सेम रूल अप्लाई करेंगे 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब 60 हमारा टोटल वर्क जो हो टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। सेम प्रोसेस 60/15 4, 60/20 3 और 60/30 2। ये हमारा 4 निकला ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना निकला 3, सी का कितना निकला 2। सब तीनों का हमारा एक दिन का काम निकल गया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि तीनों काम साथ में शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए चला जाता है, ए काम छोड़ देता है, उसके नेक्स्ट 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, फिर जो बचा हुआ काम है वो सी अकेले करता है। तो हमें ये पता करना है कि जो ये टोटल काम कंप्लीट हुआ इसको कंप्लीट होने में कितना दिन लगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा तीनों का इंडिविजुअल पर डे का वर्क निकल चुका है कि ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन काम कर रहे हैं एक अब ज़्यादा छोड़ के 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक ए बी सी तीनों काम करेंगे साथ में 4। और ए और बी और सी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं 4 3 + 2 = 9 यूनिट वर्क एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 4 दिन में कितना कंप्लीट करेंगे 36 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे ए और बी सी मिलकर 4 दिन में। अब ए तो चला गया 4 दिन के बाद, बचा बी और सी। बी और सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं साथ में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 डेज के बाद बी भी चला जाता है, मतलब बी और सी साथ में मिलके नेक्स्ट 4 दिन और काम करेंगे और रिमेनिंग वर्क जो है वो सी अकेला करेगा। अब बी और सी मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, अब बी और सी आपको यहाँ से बी और सी का एक दिन का काम कितना निकल गया 3 और 2 = 5। तो 4 दिन में कितना काम करेगा वो 20 यूनिट वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब कितना काम कंप्लीट हो गया 36 और 20, मतलब 56 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया है कितने में से 60 में से। तो रिमेनिंग कितना बचा 4 यूनिट वर्क हमारा रिमेनिंग बचा। अब ये 4 यूनिट वर्क कौन करेगा, सी ही बचा अकेला, सी करेगा। अब सी कितने दिन में करेगा 4/2 = 2 डेज में सी तुम्हारा 4 करेगा। अब हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा है टोटल डेज कितना हुआ है, ए बी सी कितने दिन में कंप्लीट कितने दिन तक साथ काम किया 4 दिन तक, बी और सी कितने दिन साथ काम किया 4 दिन तक, सी अकेला कितने दिन काम किया 2 दिन तक। तो टोटल डेज कितना हो गया 4+4+2 = 8 डेज। ये है फर्स्ट मेथड से, ठीक है। आप लोग सेकेंड मेथड ट्राई कीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अल्टरनेट डेज पे है, अल्टरनेट डेज पे बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं अल्टरनेट डेज वाले कि ए फर्स्ट डे काम करेगा, बी सेकेंड डे, फिर थर्ड डे ए काम करेगा, फिर फोर्थ डे बी काम करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। सो सेम आप लोग को रूल फॉलो करना है जो आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने। ए जो है आपको 10 डेज में काम कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 15 का 30, 30/10 3, 30/15 2। ये 30 हो गया कितना टोटल वर्क और ये 3 हो गया ए का एक दिन का काम, ये 2 हो गया बी का एक दिन का काम, ठीक है। अब बोल रहा है अल्टरनेट डेज काम कर रहा है, पहला दिन फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है ए, सेकेंड डे कौन काम कर रहा है बी, थर्ड डे कौन काम कर रहा है सी और फोर्थ डे डी, ठीक है। अब
फर्स्ट डे ए कितना काम करेगा, 3। सेकेंड डे बी कितना काम करेगा, 2। ठीक है, फिर थर्ड डे ए कितना काम करेगा, 3। बी कितना काम करेगा, 2। ये आपको ये चलता रहेगा, ए बी करके। अब दो दिन में ए और बी मिलके कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 3 और 2 5। फिर नेक्स्ट 2 डेज में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 5। मतलब ये 5 5 कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 दिन का काम हम लोग ले सकते हैं, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 5 काम। ठीक है, तो हमको काम कितना कंप्लीट करना है, 30। तो यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, तो कितना आता है, 30। 2 दिन में काम हो रहा है 5। ठीक है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, और तो हम इस 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 दिन का काम तो आपका यहाँ पे 5 है। तो 6 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, और ये 12 डेज लगेगा इस 30 काम को कंप्लीट करने में, जब ए और बी अल्टरनेट डेज काम करेंगे तो। ठीक है, ये हमारा 12 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे। तो घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप लोग को इसका आइडिया हो जाएगा कैसे ये एलसीएम मेथड इजी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराऊंगा, जो कि एसएससी मेंस के लिए भी जरूरी है। एसएससी मेंस में अक्सर वो सब क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वो सब टफ रहेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।